हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए आपको जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ से डाउनलोड करना है और असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आपको कौन सा डाउनलोड करना है क्योंकि अगर आपने कोई भी गलत क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया तो आपका जो असाइनमेंट है वो कैंसिल हो सकता है तो दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन नजर आ रहा होगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है देन आपको यहाँ पर नीचे जाना है यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा असाइनमेंट इसके ऊपर आपको क्लिक करना है जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री पीजी डिप्लोमा डिप्लोमा सर्टिफिकेट पीजी सर्टिफिकेट सभी प्रोग्राम के लिए असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है आपको सिंपली यहां पर जो भी आपका प्रोग्राम है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है जैसे मास्टर डिग्री का प्रोग्राम है तो यहां पर क्लिक करना है मास्टर डिग्री का जो भी प्रोग्राम है आपका आपका ईयरली बेस्ड सेमेस्टर बेस्ड आपने जनवरी में एडमिशन लिया हो या जुलाई में अभी लिया हो या लेने वाले हैं जो भी प्रोग्राम है जो भी सेशन है आपको सिंपली एक चीज का ध्यान रखना है जैसे कि मान लीजिए अभी हम ये एम ए एच आई पे क्लिक करते हैं अब आपका प्रोग्राम अगर जुलाई 2024 का है तो यहां पर लिखा है जुलाई 2024 तो यहां पर आपको असाइनमेंट मिलेंगे अगर आपका जनवरी 2024 का है तो यहां जनवरी 2024 के मिलेंगे इसके बाद अगर आपका एम ए पोल साइंस का है तो यहां पर आप देख रहे हैं तेईस चौबीस यानी कि आपको इसके ऊपर क्लिक करना है जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे तो यहां पर क्वेश्चन पेपर पे ही आपको मेंशन होता है यहां पर कि ये क्वेश्चन पेपर किन स्टूडेंट्स के लिए है जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर आपने डाउनलोड किया अब यहां पर आपको नीचे लिखा हुए जुलाई 2023 के स्टूडेंट्स बना सकते हैं साथ के साथ जिन्होंने जनवरी 2024 में बनाया जिन्होंने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है वो भी ये असाइनमेंट बना सकते हैं और ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप लास्ट डेट भी देख सकते हैं नीचे सितंबर 30 2024 जो कि दिसंबर 2024 के लिए लास्ट डेट है 30 सितंबर भी 15 अक्टूबर भी 31 अक्टूबर भी जिन भी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे 30 सितंबर 2024, 15 अक्टूबर 2024 या 31 अक्टूबर 2024 ये लास्ट डेट दी हुई है वो सभी असाइनमेंट आपके लिए वैलिड है आप वो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं आपको बस ध्यान रखना है क्वेश्चन पेपर पे ऊपर जनवरी दो हजार चौबीस ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के लिए और सेमेस्टर बेस्ड और सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम के लिए जुलाई 2024 मेंशन है और नीचे लास्ट डेट तीस सितंबर पंद्रह अक्टूबर या इकतीस अक्टूबर मेंशन है तो वो सारे क्वेश्चन पेपर आपके लिए वैलिड है यहां से आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है इसके बाद बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए ये सारे क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं आपको यहां पर सी बी सी एस बी ए जी जो दिया हुआ ऑप्शन यहां पर आपके बी ए और बी ऑनर्स के प्रोग्राम है जितने भी उसके लिए आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है बाकी यहाँ पर सभी क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं इसके बाद पीजी डिप्लोमा डिप्लोमा सर्टिफिकेट सभी प्रोग्राम के लिए आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे बाकी आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो करके वहां पे भी डाउट क्लियर कर सकते हैं अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे भी पूछ सकते हैं कि आपका असाइनमेंट वैलिड है या नहीं है तो ऐसे आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है गलत क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं करना है जिस भी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे आपका सेशन मैंसन है जनवरी दो में एडमिशन लिया आपने तो वो मैंसन होना चाहिए इी ईयरली प्रोग्राम के लिए और जुलाई 2024 में एडमिशन लिया था आपने या लेने वाले तो वो मेंशन होना चाहिए और लास्ट डेट 30 सितंबर 15 अक्टूबर या फिर 31 अक्टूबर मेंशन है तो वो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आपके लिए वैलिड है वो असाइनमेंट आप बना सकते हैं तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करना है और असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें धन्यवाद